तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले टीएस ग्रेवाल का ये वाला क्वेश्चन, जिसमें कुछ पार्ट ऑफ गुडविल ही पार्टनर लाता है कैश के अंदर और बाकी वो नहीं लाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में करंट अकाउंट खोलते हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, जो कि है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन दी रेशियो 3:2। तो ए और बी जो पार्टनर है, 3:2 रेशियो है। उसके बाद बोला है एडमिट सी, सी एडमिट हुआ एज अ पार्टनर इन दी फर्म फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए वो एडमिट हुआ, ठीक है ना। विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। अब जो है 1/6 वो ए से ले रहा है और 1/12 पार्ट वो बी से ले रहा है। जो 1/4 है, 1/6 फ्रॉम ए, 1/12 फ्रॉम बी। आगे बोला है सी ब्रिंग 60% ऑफ शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। सी जो है वो 60% शेयर ला रहा है फर्म के गुडविल का, ठीक है। फिर बोला है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1 लाख, 1 लाख की गुडविल थी। पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस अरेंजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि हमारी पहली एंट्री क्या बनेगी। सबसे पहले वो PFG लाया, तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG, ठीक है। PFG कैलकुलेशन करो, 1 लाख इंटू 1/4 उसका शेयर है, तो वो लाना, उसको लाना चाहिए कितना, 25,000 वो लाना चाहिए। लेकिन वो कितना लाया है, ओनली 60%, तो इसका 60% निकालेंगे तो ये कुछ आपका यहाँ पे 15,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू PFG 15,000, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000। क्लियर है पहली एंट्री, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। दूसरी एंट्री में क्या करते हैं, PFG को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो PFG का अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो वो नहीं ला पाया है उसको हम कहाँ पे करते हैं, देखो PFG का अकाउंट डेबिट कितने से होगा, सबसे पहले 15,000 रुपये से, ठीक है। अब जो सी ला नहीं पाया है उसके लिए उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा, तो सी का करंट अकाउंट मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया, सी का करंट अकाउंट मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया, ठीक है। कितने रुपए से डेबिट होगा सी का करंट अकाउंट, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ये है, देखो 25,000 लाना था और 15,000 ही वो लाया, तो बचे हुए 10,000 वो करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और ये करंट अकाउंट का बैलेंस फिसल के आपको पता है ना कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, असेट साइड में, क्लियर है। फिर जाएगा ये किसके पास, ए और बी के पास, अगर ये दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो हमें पता है कि 1/6 वो ए से ले रहा है तो वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/12 वो बी से ले रहा है तो वो भी सैक्रिफाइस करना है। तो अब इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। सॉरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करा है कि ए का कितना था, 3/5 माइनस में 1/6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/6 पोर्शन वो ए से ले रहा है, ठीक है। बी का ओल्ड रेशियो था 2/5 माइनस में 1/12 हो जाएगा, क्योंकि वो 1/12 पोर्शन बी से ले रहा है। अब सिंपली एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 6 - 12 18 माइनस 50, सॉरी माइनस 5, 18 - 5 इज इक्वल टू 13/30, ये कितना आएगा, 12 - 24 माइनस 5/60, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 19/60, तो इसको भी मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा 26/60। तो 26:19 इसका रेशियो आया है। तो अब आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है तो इसकी अमाउंट कितनी आएगी, क्या करना है आप लोगों को। सिंपली कैलकुलेशन पोर्शन रह रहा है अब, कि जो ये 25,000 है, ठीक है, इसको आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो 26 इसके अकाउंट में कितना आ जाएगा, 26+19 दैट इज 45, ठीक है। और अगर इस कुछ गलती हो गई हो ना मेरे से, तो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। वैसे तो इसमें गलती नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर हो गई हो तो प्लीज़ बता देना, ठीक है, कमेंट करके। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मेरा मेन मोटिव क्वेश्चन समझाना था, कैलकुलेशन पोर्शन आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों का आंसर शो कर देती हूँ इसका, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 6, 6, 6, 7 और 10, इसकी सेपरेट एंट्रीज बनाई है, तो आप सेपरेट भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दी थी। तो आपका आना चाहिए ये जो सॉल्व करके, ये आना चाहिए आपका 16,667, ठीक है, तब तो आपका आंसर सही है।
तो इसी तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। जैसे ये पर्टिकुलर टॉपिक था ना कि प्रीमियम ऑफ गुडविल इज ब्रॉट बाय दी पार्टनर इन कैश, कुछ पार्ट ही वो लाया, जो पार्टनर है वो कुछ पार्ट ही लाया। तो ये वाले क्वेश्चंस हम लोग, हम मतलब एक एक क्वेश्चन सारे ही पार्ट के जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। और आपको हेडिंग भी यही मिलेगी, टाइटल जो वीडियो का यही मिलेगा कि जब पार्ट ऑफ गुडविल इज बॉट बाय द न्यू पार्टनर इन द कैश। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।